हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में करे जाएंगे। इसी मनुष्य के दो पुत्र थे। पिताजी, मेरे धन संपत्ति मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। अरे पिताजी से इसे बात करते हो? आप यहीं रहना चाहते हैं, यहीं रहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं शहर जाना चाहता हूँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उला दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। अरे भाई, तुम्हारा दशा इसे कैसे, क्या कर रहे हो, चलो घर चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। अरे भाई, अपने पिताजी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं, चलो 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 घर चलो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनावें, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, कर जाएंगे।